हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक नई वीडियो में। आज का टॉपिक है वॉलपेपर कैसे चेंज करते हैं वो बताऊंगी। और फ्रेंड्स, मेरे पास है सैमसंग का फ़ोन। और फ्रेंड्स, अगर मेरे चैनल पे पहली बार है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स, यही शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको सेटिंग को ओपन करना है, एंड सेटिंग को ओपन करने के बाद आपका इस प्रकार से इंटरफेस आता है। और इसके बाद आपको वाईफाई पे क्लिक कर सॉरी फ्रेंड्स वॉलपेपर पे क्लिक करना है। एंड आपका ऑप्शन आता है माई वॉलपेपर, आप उस पर क्लिक करेंगे। माई वॉलपेपर वाला आप सेट कर सकते हैं, चाहे तो इसको बैक करेंगे। अगर आप यहाँ से नहीं सेट करते हैं तो आप इस पर क्लिक करेंगे थीम पर, तो थीम पर आपको यहाँ दिख जाता है वॉलपेपर, आप उस पर क्लिक कर देंगे। एंड टॉप पर क्लिक करते हैं तो आपको और भी वॉलपेपर नज़र आएंगे, यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और यहाँ देख सकते हैं तिरंगे वाला है मेरे में, एंड इसके उस पर क्लिक कर देंगे। एंड यहाँ आप देख सकते हैं तो इसी से रिलेटेड आएंगे और भी, तो यहाँ देख सकते हैं जैसे कि आपको ये पसंद है एंड ये ख़रीदने वाला है, पर इसे पैसे देकर खरीदना पड़ेगा ये वाला वॉलपेपर। एंड और भी देखते हैं, देख सकते हैं तो बहुत ब्यूटीफुल वॉलपेपर, जो भी आपको पसंद आता है वो सेट कर सकते हैं। जैसे कि मुझे ये पसंद है, एंड डाउनलोड पे क्लिक कर देंगे और ये डाउनलोड हो जाएगा। तो डाउनलोड होगा तो आपका अप्लाई का ऑप्शन आता है, आप उस पर क्लिक कर देंगे। एंड इसके बाद आप होम स्क्रीन पर लगाना चाहेंगे, लॉक स्क्रीन पर या फिर दोनों पर, वो होम स्क्रीन पर लगाना चाहूँगी फॉर एग्जाम्पल। एंड इसके बाद सेट होम स्क्रीन पर क्लिक कर देंगे और आपका सेट हो जाता है, देख सकते सेट हो चुका है। तो इस प्रकार से आप अपने फ़ोन में चेंज कर सकते हैं वॉलपेपर। और आई होप आपको समझ में आ गया किस प्रकार से वॉलपेपर चेंज करते हैं। और फ्रेंड्स, प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। और फ्रेंड्स, तब तक नमस्कार।